अरे भैया देखियो हाँ, के पूजनीय रंजीत यादव जी सुंदर माला और सादर 101 रुपए देके स्वागत के लिए बनी भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा गजल से बढ़िया कव्वाली से बढ़िया कवि जी विरह का भाव लिखल उन जवानों के लिए कवि का इशारा है आवेला कैसे
फेड़ा पसे एगो जवानी बचपन के बाद जवाबे ले हां एगो जवानी बुढ़ापो में आवे ले हां गइल बे आ गइल बे सुनबे कहीं नहीं जा क्यों भी है तो जवान भइली हां हां ओ घरी लड़क पड़ल है अबे हां अब ये मुखिया जी जवान भइल बनी तो भाई जवान आदमी से डरा के चलने के जरूरत है तब का ई कहे ऐसे कमने का बुढ़ापा आ गई हां स्वर्गीय राम के गुरु जी जब बोली तो कैसे बोली मर ए बाबू
भाई हेलो जब प्यार हो गई बा तो ज्योति सिंह बर्दाश्त ना कर बोली बा चार साल के बाद प्यार भइल बा फोन पे बात होता हां धीरे धीरे जब एक साल बीत गई मास्टर तो शरीर में इतना आग लगल दिया आए हाय हाय रे सबतियावत पतियावत तुरंत बियाह कर लेली बा कहां जालंधर शहर में भगवान साहु के घर में दिन के बितावे लगली बा नतीजा निकलल का बियाह में गीत लिखे के पड़ल लैला में कुछ बा ना प्यार मतलब तकलीफ ठीक हो
कितना दिन जब तक ले बाल बच्चा लिखे भाई तब तक ले बा हे बाबू दुनिया साल के दिन भीतर में तब तक ले भगवान की मर्जी हो का बा घाव निकल गई धीरे धीरे लड़का के उम्र भी आज सात आठ साल हो गई बा
बात बात पर गाली बात बात पर मार खाई के परेशान हो गई। एक दिन के बाद माए बाबू घटना का घटन कवि जी विदेशिया में भाव लिखल डाला ला खाती ले ला मरता क्या नहीं करता ये धरती पर नारी से बढ़के
बैठ जाइए कुछ देर, नारी से बड़ी के बाबू है धरती पर कोई बर्दाश्त करे वाला आदमी दिखो। छाती पर तावा रख दिली, रात के समय में बेटा घर से निकल गई, गांव नगर के मदद से इंटरव्यू पास करने के बाद डायरेक्ट भौजी करतार सिंह के एवज में जाकर के बाबूजी भर्ती हो जाता है। आज जब अमर सिंह भर्ती हो गए हई देखी वर्दी पहन करके जब देश के सेवा करे लगल तो कभी जी विराह में तर्ज भी खतरी बहा दो हमारे करम। छोटका बेटा लिखले बड़ा बड़का बेटा
हटला राम प्रकाश यादव जी उदयना से 50 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी बहुत बहुत राम हमें बोले सिटी ना दे आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा रोवा तड़ी मोबाइलों में देखे की बाहर तकदीर जो ना बेटा के यही कोंक में ढोई के वो माई 9 महीना के बाद जन्म दे ली हम इतना अभागी मारी माई कुंती अपने लाल के ताबूत में बंद करके पानी में बहा दे रही लेकिन हम इतना अभागी मानी कि अपने लाल के अपने ही आंख से हम दूर कर देने पता भी ना लगोनी कि हमारे बेटा ये दुनिया में बाकी नहीं रोवा तड़ी ये बाबू अब तब तक के लिए छोटका लइकवा जेका नाम रोशन रोशन आकर के माई से जाने के प्रयास करत हम के माई काहे रोवा तड़ू पूछा तरन के कवि जी विरह तर्ज लिखत हम बहादुर
और स्वर्गीय पिताजी के बड़की नाती मीना यादव जी 200 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी, आप लोग बहुत बहुत प्रणाम। माता रानी आप लोग के बनोले रहे, वाले हमने के बीच में स्वर्गीय पिताजी देखी, लेकिन फुलवारी हमेशा हरा भरा रहे। पहला आदमी गवैया भाट और सुपर भक्त लोग ये लोग ऐसा जुबान से निकाली लोग तिरोजना के शरण एक है, हम लोग माँ सरस्वती के दास है। जे 200 देता ओके सवेरे 500 मिली, अरे जे 500 दी ओके बगली में सवेरे 1000 मिली। तब फिर ले ल भैया तो हम लोग का आशीर्वाद लागो। बोलो तो एक खाली जगह पूरा बोलो तलो तो कहा तलो की दाओ और ही दाओ। हां तलो और सूरज के पिताजी के नाती नाना जी के सम्मान में शिवम बाबू आपकी ओर से सादर 101 रुपये का आशीर्वाद। बहुत बहुत हमारे ओर से आप सबके प्रणाम। और सिप्पू यादव जी स्वर्गीय पिताजी के पोता आपके द्वारा भी सादर 101 रुपये का आशीर्वाद। बहुत बहुत आपके प्रणाम हमारे ओर से। काम भर हो गुलबा कभी जी भी रहा न तरस की खतरी तरस बढ़िया भी रहा के भरत माँ बाबू। धीरे धीरे समय बीत जात बा, अब नोट कर जा आप लोग 2000
2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान, 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान, भारत में हमला करवा दूं सोच रहा था पाकिस्तान, आतंकी दल भारत भेजो दुश्मन की पेशलमी प्लान, सरहद पे तैनात बहादुर वीर खड़ा था अमर जल, अरे वाह। 2019 में ये 2019 इलेक्शन के समय रहो पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आया, सोच गया कि हिंदुस्तान में जगह जगह बम बारूद होगी, गोलियां चलेगी, जवान शहीद होंगे, हत्या फैलाया जाएगा। अच्छा तो घुसपैठियन के धीरे से सूचना मिल गई, जगह जगह जाकर के भारत में हमला हमला करो, हत्या फैलाओ, सूचना मिले के देरी लगल, लेकिन अपन प्लान बनावे में देरी ना लगल। एक तरफ हिंदुस्तानी फौजी जवान सरहद पे तैनात है, तो दूसरे तरफ पाकिस्तान भी निशाना लगा लिया। कभी जी बिरहा चढ़ाए थे उन बहादुर, अब जनार्दन 50 रुपया दे के हमारे जनार्दन मास्टर साहब स्वागत के लिए बनी सिकरिया के पावन धरती से बहुत बहुत प्रणाम। तनी मनी देख ले भैया उठा के, अब हवा बंद हो गई थोड़ा सा। अब रोज तो कहने की मीरा के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं की, बा और से सुन लो हेलो रुको एंकर सुनो, हम तो पहले चढ़े नहीं ना, हां आज चढ़े नहीं तो उतरे के जल्दी आदत नहीं, हां तो का करबो है हितवा के जान लेबो का। लेकिन एक बात जरूर सुन, हम कहो तो नहीं कि उतरे नहीं ना, हां लेकिन उतरबो चढ़बो तबे मजा आए, हां हां तबे मजा आए, मजा मिली अभी ना कि चढ़ले चढ़ले वही तर झंडा दिया था ना, ओही पर भवरेशन फैलाता तब मजा में खान। हां स्वर्गीय रामदेव गुरुजी जवानी में इतर्ज के गाय बहादुर, कब चापत है नहीं तो कैसे चापे हूँ। Yeah.
सोचे वीर अमर सिंह भारत के जवानवा वतनवा खाती जाई परनवाना वाह मूलाधार चले बंगाली जंग में डटल बदूरो टोली गोली अमर सिंह के लागल बबिया शिविर ले गई ले भागल रंगल लाल लहू में सेरवा के बदनवा वतनवा खाती जाई परनवाना एक तरफ पाकिस्तान अपने जवानों को आदेश देता है अरे वाह इतनी गोलियां बरसाया जाए कि जो जवान सरहद पे तैनात है धराशायी हो जाए दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी बहादुर जवान सीना फैलाए और निशाना लेकर के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा था आगे बंडल लगा जवान दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी गोली कोई के पहचाने न लगा छाती के पार करी उधर भी जवान शहीद हो रहे थे और इधर के भी जवान शहीद हो रहे थे लेकिन जानते हैं उस लड़ाई में कौन सीने में गोली खाया कौन इसी मिट्टी के लाल अमर सिंह भी एक गोली का शिकार होता है सनसनाती हुई गोली आई और कलेजे को पार कर जाती है धराशायी होकर के गिरा हुआ है आतंकियों की नजर पड़ती है और तुरंत पहुंचे और बेहोशी की हालत में अमर सिंह को अपने कब्जे में ले लेते हैं अपने खेमा के अंदर लेकर के चले गए जवानों को टार्चर करते हैं क्या वे साले अपने आप को बहुत बड़ा फौजी समझ रहे थे कहां तेरी बोलती कहां तेरी बहादुरी गई अपने आप को शेर समझ रहे थे ना कहां तेरी बहादुरी गई मौत को सामने देख करके तेरी फट गई कहता है जवान ए साले हम हिंदुस्तानी फौजी जवान सीने में गोली खाना पसंद करते हैं लेकिन तू जैसे गदारों के सामने कभी गर्दन झुकाना मत दूर रही मारना चाहते हो मार डालो अगर इस दुनिया में जिंदा बच गया तो समझ जाओ कि तेरा खैर नहीं है फौजी जवान समझ गया जब तो मुझे मरना ही है तो क्यों इन कमीनों के सामने इन गीदड़ों के सामने मैं अपना सर झुका करके मरूं कहता है मार डालो अगर जिंदा रहूंगा तो तेरी खैर नहीं है ना समझ गया पाकिस्तान कि लग रहा ये फौजी जवान ऐसे राज नहीं बताएगा रंजीत यादव जी प्रधान जी मेहूनी बिलासपुर बिलासपुर के पावन धरती से कैलाश कैलाशपुर से बहुत बहुत प्रणाम बोलत रहे ऐसे ही चाहत रहे अच्छा तो हाई देखी एक तरफ इंसान लाचार है सीने में गोली खा करके और दूसरे तरफ उन कमीनों के कब्जे में है हिंदुस्तानी फौजी तो कवि जी बिरहा के अंदर तेरी के भाव लिखत नहीं कैसे समझ गया आतंकी उस आतंकी का नाम जानते हैं क्या था क्या नूर मोहम्मद मार रहा था और जाने का प्रयास कर रहा था कि बताओ फौजी जवान कितने राज जानते हो कहता है कि मर जाऊंगा लेकिन राज नहीं भूलूंगा ना कबस के नाम अरबत लगल वही बंदूकिया के तलवार से मार है अच्छा मार खाए लगल ये बाबूजी तो कबीर जी बिरहा में करुण रस का भाव लिखत रहे चला सूर्य कर्म करो ना
Yeah.
ओर से 50 रुपए का आशीर्वाद, 50 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी तेजन सिंह यादव जी गुरु जी की ओर से। कवि नहीं आप महाकवि हैं, और आपके सम्मान में 50 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी श्री राम और यादव जी बहुत बहुत हमरे ओर से प्रणाम। आतंकी ये बतलो उस देश के फौजी जवान से कि जानते हो हम परिदारी आतंकी नहीं। अरे वाह, यही जब रहा सोचे और समझे वाली बात ना बढ़ जाए बढ़ जाए हाँ बढ़ जाए वो जो बढ़ जाए बढ़िया उनका कपड़ा। नूर मोहम्मद आतंकी बतलाया देश के फौजी जवान से कि हम पैदाइशी पैदाइशी हम आतंकी नहीं थे। शहर जालंधर के रहने वाला हूँ, पिताजी का नाम भगवान साहब और मेरी माता का नाम ज्योति सिंह बताया गया। समझ में नहीं किया होते बाबू अमर सिंह के कि आखिर ये कहल का चाहता फौजी जवान से कहता है आतंकी की हाँ भाई मैं पैदाइशी आतंकी नहीं हूँ, मेरे पिता का नाम भगवान साहब और माता जी के नाम ज्योति सिंह शहर के मैं रहने वाला हूँ। फौजी जवान कहता है कि आतंकी कैसे बन गए, कहता है कि एक समय था कि मैं भी हिंदुस्तान में पढ़ लिख करके डायरेक्ट कप्तान के पद पर था। अरे बा, हमें छुट्टी मिली और छुट्टी बिताने के लिए जम्मू की वादियों में हम गए थे। अब वही जम्मू कश्मीर में एक लड़की से मुलाकात हो गई, वो लड़कियां के चक्कर में हमें इतना पड़ गई प्यार के नशा हो गई कि वो लड़कियां के गुलाम हम बन गई। हमके पता ना रहल कि वो लड़की आतंकी भी या खुफिया भी भाग के रहल, हमके जानकारी ना रहल वो लड़कियां से प्यार कर बैठनी उहे काम करे लगनी जौन उ लड़की हमसे कहे और करवा दे। हम पैदाइशी आतंकी नहीं है। अमर सिंह अपने भाई को आतंकी के भेष में देख करके बाबूजी सोचने पर मजबूर हो गया कि जिस भाई के कारण मेरे पिताजी हमको घर से भगा दिए, माँ के नजरों से हम दूर हो गए, मेरा भाई मेरे आंखों के सामने एक आतंकी भेष में खड़ा है, रो रहा है, करेजा तड़पाता है बाबू, लेकिन हरी देखी एगो भाई के दर्द एगो भाई के आंख के सामने कैसे एक तरफ छिपावत और दूसरे तरफ तड़पाता। कवि जी भी रहा में बड़ा सुंदर अल्लाह के लाइन लिखली, आदरणीय श्री चंदन यादव जी की ओर से 50 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। आई
एक तरफ छोटका बेटा के देखले बड़ी
सत्य बाबू थोड़ा बहुत खुशी भी बात बड़का बेटा के देख के मन में बड़ा कष्ट भी बात सोचा तड़ी की दिन देखे से पहले एक माई एक बाप मर जे है कोई अच्छा हो बारे भगवान कभी कबो आपो के इंसाफ गजब होला माई सदमा के बर्दाश्त ना कर बोली घर के अंदर गईली बेटवन के शोक में बाबू फांसी लगा कर तो हम माँ हमेशा हमेशा के लिए चल बसती है प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है हमारे ये विराग वाला के मेन मकसद कि प्यार में तीन जिंदगी कुर्बान अरे घरी लइकवा प्यारे बजूर बान हो माई बाबू राजी नहीं कौन होते जब कल का कर दवा सो का हो चलो रोहर देखो तो गहना रोहर देखो तो सब भाठा देखो तो सब भाठा उठा देखो तो सब कनियो हां पुरान खहर ओढ़ भूसा वाला घर कवि जी मर गेलन साले कवि जी तुम कवि जी के मुंह आइबो वे कतिरा कौन जे लेकिन सब सबसे बढ़िया रंग नहीं है तब आनंद में मजा कवि आगे आनंद आगे बढ़ा जिंदगी के आनंद वाले आसाली है हो तो देखिए प्यार कई कोनो बेकार चीज नहीं खेल हमने के शिक्षा देता नहीं जा कुल चलेला मुर्गा मसलन तो इंसान को ऐसा कर्तव्य करना चाहिए इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो और दुनिया गुणगान करे आदमी चला जाता है कृति अमर होती है सावन गुजर जाने की बात जन की कदर होती है।